हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ में। मैं नीलेश विश्वकर्मा आज फिर हाजिर हूँ और आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं कनेक्शन पर ही। कल हमने आपको बताया था एसेंट्रिक कनेक्शन, मूवमेंट कनेक्शन, तो उन्हीं कनेक्शन का एक हम प्रॉब्लम लेके आज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम मूवमेंट कनेक्शन करते हैं तो मूवमेंट कनेक्शन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस कनेक्शन को हम करने जा रहे हैं उस कनेक्शन में जिस बोल्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई हम जिस कनेक्शन में बोल्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बोल्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके साथ साथ उसका शेप कैसा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसी है और उसकी शेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ओवरऑल ये सब चेक करने के बाद हम कनेक्शन करते हैं, तो उसी पर बेस्ड एक आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम रहेगा ये रहेगा मूवमेंट कनेक्शन पर। तो लेते हैं एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है ब्रैकेट प्लेट बोल्टेड टू अ वर्टिकल कॉलम इज लोडेड एज शोन इन फिगर। इफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 आर यूज, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर्ड लोड पी विच कैन बी कैरिड सेफली। क्वेश्चन ये है कि एक ब्रैकेट प्लेट बोल्टेड है, वर्टिकल कॉलम है जो कि लोडेड है लोड पी से। आप देख पा रहे होंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पी लोड वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। इस लोड को जो हम बोलते हैं फैक्टर लोड है, और हमें ये निकालना है कि जब हम इस टाइप का कनेक्शन करेंगे तो ये जो लोड है कितना सेफली हम इस पर बियर कर सकते हैं, या कितना फैक्टर्ड लोड होगा विच कैन बी कैरिड सेफली। ये जो कनेक्शन होगा बोल्टेड सेफली कितने फैक्टर्ड लोड को बियर कर सकता है, ये हमें निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेते हैं। एक ब्रैकेट प्लेट बोल्टेड है टू अ वर्टिकल कॉलम इज लोडेड एज शोन इन फिगर। ये लोडेड है लोड पी से। इफ M20 बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 आर यूज, M20 बोल्ट्स यूज किए गए हैं ग्रेड 4.6 के, दैट मींस द डायमीटर ऑफ बोल्ट्स इज 20। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर लोड, हमें फैक्टर लोड की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जितना फैक्टर लोड हम सेफली इस पे बियर करा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये सेफली बियर कर सके। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये किस टाइप का कनेक्शन है और इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो कनेक्शन है ये मूवमेंट कनेक्शन है, क्योंकि इस पर देखिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फैक्टर्ड लोड पी लोडेड है और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसमें एक ISMC प्लेट का यूज किया गया है, ISMC 300। अगर आप स्टील कोड IS 800-2007 को प्रिफर करेंगे तो ISMC 300 के लिए जो थिकनेस ऑफ वेव होती है, थिकनेस ऑफ वेव मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 7.6 mm फॉर ISMC 300। अगर आप IS 800-2007 को प्रेफर करते हैं तो ये डाटा आपको गिवन रहेगा IS कोड में। फॉर ISMC 300 थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 7.6 mm, और इसमें क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, और गिवन डाटा में हमें गिवन है सबसे पहले तो लिखा है M20 वोल्ट ऑफ ग्रेड, मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 20 mm। देयरफॉर डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज इक्वल टू 20, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 22 mm हो जाएगा। ग्रेड ऑफ बोल्ट यूज किया जा रहा है इसमें 4.6, सो ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 के लिए जो FU की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
बट अगर हम बात करें रोल्ड स्टील सेक्शन की, बट इन रोल्ड स्टील सेक्शन, तो रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए जो Fu होता है वो 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है फॉर 4.6 ग्रेड, मतलब 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट के लिए जो रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए Fu की वैल्यू होता है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। एंड सिंपल जो ग्रेड ऑफ बोल्ट की अगर हम बात करें 4.6 के लिए, तो सिंपल जो Fu होता है वो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है विदाउट रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए। इसमें हमें P गिवन है और S गिवन है, तो P डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है, आपको यहां से देखना पड़ेगा। देखिए P जो लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल इज नोन एज पिच इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल इज 80, देयरफॉर पिच इज इक्वल टू 80। जिस डायरेक्शन में लोड हमारा वर्क कर रहा है उसी डायरेक्शन में, मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल, दो बोल्ट होल के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम बात करें यहां से यहां तक, ये क्या करा कि आपकी पिच, वो हमें क्या बने पिच 80, पी पिच 80 mm। अब अगर हम बात करें स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग क्या होता है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो बोल्ट होल के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक्चुअली इसको हम गेज भी बोलते हैं। तो अगर हम यहां पे जी ले लें या एस ले लें, तो हम यहां पे एस ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू कितना है आप देख सकते हैं, ये आपका है 60 mm, करेक्ट। अब इसमें देखिए यहाँ पे E गिवन है हमें 250, बट ये N डिस्टेंस नहीं है, आपको हम अभी बताएंगे कि हमें इसको कहाँ यूज करना है। अगर हम N डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर E निकालना चाहें, N डिस्टेंस E इज इक्वल टू, अब देखिए N डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये 80 गिवन है दो बोल्ट होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसमें देखिए ISMC 300, इसका मतलब क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ द प्लेट, टोटल थिकनेस यहां से यहां तक इसको हम नोट डाउन कर देते हैं, ये आपका 300 है, और इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर हम एंड या लेफ्ट एंड की बात करें तो कितना हो जाएगा ये 150, तो 150 ये हो गया। और इस बोल्ट होल और इस बोल्ट होल के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना गिवन है 60, तो हम 150 माइनस 60 कर देंगे, टोटल 150 माइनस ये 60 हम करते हैं तो हमें एन डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एन डिस्टेंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 150 माइनस 60, दैट इज 90 mm। डायमीटर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 20 mm, क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 22, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6, सो अकॉर्डिंग टू आईएस 800/2007 फोर ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 द वैल्यू ऑफ Fu विल बी 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर, बट फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए जो Fu का वैल्यू होता है वो होता है 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो हेयर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Fu 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पी पिच, पिच क्या होता है, पिच होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू वोल्ट होल इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन में जो लोड की डायरेक्शन होती है लोड की डायरेक्शन के सेम, या हम बोल सकते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड डिस्टेंस बिटवीन टू वोल्ट होल, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू वोल्ट होल, जो कि हमें गिवन है 80। अब जो स्पेसिंग या हम गेज की बात करें, गेज लेंथ जो होता है वो
फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लेते हैं, और दो बोल्ट होल की अगर हम बात करें, एक बोल्ट होलिए एक बोल्ट होलिए, तो इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये होगी, और ये हमें गिवन है 60। तो आपका जी गेज या स्पेसिंग हमारा कितना हो जाएगा 60 mm। अब ISMC 300 से हम देखें तो ISMC 300 में टोटल जो थिकनेस आपको गिवन है ये है आपको सेक्शन का 300, और इसके सेंट्रल एक्सेस से हम बात करें तो सेंट्रल एक्सेस से लेफ्ट एंड की या सेंट्रल से राइट एंड की टोटल जो डिस्टेंस है 150, मतलब इसको हम वाइसेक्ट कर देंगे 300 को तो ये 150 हो जाएगा। अब ये टोटल 150 है, 150 से अगर हम डिस्टेंस माइनस करते हैं 60 जो कि दो बोल्ट होल के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो हमें एंड डिस्टेंस मिल जाएगी 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90 mm। इतना डाटा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन पर अगर हम लोड अप्लाई करें तो कितना मैक्सिमम फैक्टर लोड ये कनेक्शन सेफली बियर कर सकता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये एक्चुअली एक लैप जॉइंट है, और लैप जॉइंट है ब्रैकेट कनेक्शन, और इसमें ISMC 300 का यूज हो रहा है इन सिंगल शेयर। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर। तो स्टेप फर्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर। तो स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को हम कैलकुलेट करते हैं 1/YMB FUV अपॉन √3 इंटू 0.78 इंटू π/4 d² इस फॉर्मूले से आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है। अब गामा एमबी का जो वैल्यू होता है वो 1.25 होता है, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल है ना, ये आपको मिल जाएगा, और पिछले भी कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था टर्मोलॉजी इसकी बोल्टेड कनेक्शन में यूज होने वाली, आप फिर से देख सकते हैं गामा एमबी क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल है ना, ये होता है 1.25। बट ये जो वैल्यू वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू बोल्ट मटेरियल एंड ग्रेड ऑफ बोल्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 एंड यूज्ड मटेरियल फॉर बोल्ट, द वैल्यू ऑफ गामा एम बी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल इज 1.25। मतलब गामा एम बी जो होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है फॉर बोल्ट मटेरियल, और ये ग्रेड 4.6 के लिए जो वैल्यू होता है IS 800/2007 कोड में दिया गया है 1.25। FUV जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है फॉर बोल्ट, इसको हम ग्रेड ऑफ 4.6 के लिए लेते हैं 400 N/mm² अपॉन √3 मल्टीप्लाई 0.78 इंटू π/4, तो π/4 इंटू d² 20² इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 45272 न्यूटन पर mm². 1/γmB पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल 1.25, FUV 400 अपॉन √3 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू d². अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी है, मैंने पिछले स्लॉट में लिखा था कि आपको रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए जो FU की वैल्यू यूज करना है वो 410 न्यूटन पर mm² यूज करना है, बट FUB ध्यान देना है FUB अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर बोल्ट, हम बोल्ट की बात कर रहे हैं तो बोल्ट के लिए जो आपको यूज करना है वो 400 ही यूज करना है, यहां अगर आप 410 यूज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो 400 अपॉन √3 0.78 इंटू π/4 डी डायमीटर ऑफ वोल्ट 20² यहां पर हमें डी नॉट का यूज नहीं करना है, ये हम बोल्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि बोल्ट होल के लिए, तो हम यहां पर डी का इस्तेमाल 20 लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा ये 45272 न्यूटन पर mm². तो ये है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिजाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की होनी चाहिए वो 45272 न्यूटन पर mm² होना चाहिए।
अब हमें ये देखना है कि जो हम ISMC 300 का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने जो थिकनेस ऑफ वेव लिया था वो लिया था 7.6 mm थिकनेस ऑफ वेव। थिकनेस ऑफ वेव जो लिया हमने 7.6, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 7.6 mm किसका, ISMC 300 जो हम यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ISMC 300 का जो थिकनेस ऑफ वेव होता है वो 7.6 mm होता है। अब इसके अगेंस्ट जो बियरिंग कैपेसिटी होगी वो हमें देखना है। बियरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट 7.6 mm। अब इसके लिए देखिए हमें केवी निकालना होगा और केवी का जो लीस्ट वैल्यू होगा वो निकालना होगा, लीस्ट ऑफ केवी। और लीस्ट ऑफ केवी हम कैसे निकालते हैं, केवी को कम से कम निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो क्या होता है, ई अपॉन 3D0 पी अपॉन 3D0 माइनस 0.25 थर्ड एफ यू बी अपॉन एफ यू एंड 1.0। इसका मतलब क्या है, ई अपॉन 3D0 पी अपॉन 3D0 माइनस 0.25 एफ यू बी अपॉन एफ यू एंड 1.0। ई एंड डिस्टेंस अपॉन 3 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, पिच अपॉन 3 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट होल माइनस 0.25, एफ यू बी अल्टीमेट डिस्टेंस ऑफ बोल्ट एंड अल्टीमेट डिस्टेंस ऑफ प्लेट का रेशियो एंड 1। इन चारों को सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है कि इनमें जो लीस्ट वैल्यू होगा वो हम केवी के लिए अडॉप्ट करेंगे। तो देखिए ई ई आपका क्या, मैं पिछले उसमें आपको बताया था कि जो ISMC 300 का हम हाफ करते हैं तो 150 आता है और वहाँ से हम 60 को माइनस करते तो हमें मिलता था 90। तो 150 माइनस 60 3 इंटू D0 आपका 22 है। इसको पी पी आपका निकल गया था, पी एक्चुअली आपको गिवन है और जो पिच होता है वो आपको गिवन है 80 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25 एफ यू बी, एफ यू बी आपका 410 एंड एफ यू आपका 400 एंड 1.0। इन चारों को आपको जो है सॉल्व इनको सॉल्व करना है और देखना है कि ये 1 से कम है कि ज़्यादा है, ऑब्वियसली 1 से कम आएगा। और इसको आपको सॉल्व करने के बाद इसका लीस्ट निकालना है तो जो के बी आपको मिलेगा इन चारों में जो मिनिमम होगा वो 0.96212 होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे तो के वी आपको मिलेगा 0.96212। तो थिकनेस ऑफ वेव 7.6 mm, ये आपको IS कोड से भी मिल सकता है, आपको IS कोड देखना होगा। ISMC 300 के लिए जो थिकनेस ऑफ वेव होता है वो 7.6 mm होता है। अब इसके अगेंस्ट में जो वियरिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी ये हमें निकालना है, उसके लिए हमें केवी की जरूरत पड़ेगी। और केवी जो है हम कैसे निकालते हैं, इन चारों का जो मिनिमम होता है, ई अपॉन 3D0 पी अपॉन 3D0 माइनस 0.25 एफ यू बी अपॉन एफ यू एंड 1.0। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, केवी इक्वल टू 0.96212। अब केवी 0.96212 कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन वियरिंग। वियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगा बोल्ट का, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/γmb 2.5 इंटू के वी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। देखिए के वी का यूज हमें यहाँ करना होता है डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, सो हम सबसे पहले के वी को सॉल्व करते हैं। अब 1/γmb आपको पता है 1.25 होता है इंटू 2.5 इंटू के बी, के बी हमें मिला है 0.96212 इंटू डी, डी हमारा 20 है इंटू टी 7.6 है इंटू जो एफ यू है वो आपको क्या यूज करना है 400। अब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो ये आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 11919 न्यूटन, ये आपको मिलेगा। और ये देख पा रहे होंगे आप जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है इन बियरिंग, इसके पहले हमने जब कैलकुलेट किया था स्ट्रेंथ, तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था आपका 4527 2 7 4527 2 7 2 2 7 2। आप देख सकते हैं पिछले इसमें, तो ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है जितना हमें मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हम बोल्ट की बात कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ की, कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग, बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो हमारी जो हमें चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स ये सेफ रहेगा और ये सुटेबल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, लीस्ट ऑफ के भी निकाला। लीस्ट ऑफ के भी निकालने के बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग में हम जब फॉर्मूला यूज किया, 1/γmv 2.5 kb इंटू dt इंटू fu, इसके करने बाद हमें क्या मिला वैल्यू, 11919 न्यूटन, जो कि 45272 से ज्यादा है। दैट मीन्स ये डिजाइन स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है, अच्छी प्रोवाइड हो रही है, और हम इस वोल्टेड कनेक्शन को यूज कर सकते हैं और ये सेफ रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है फोर्स इन एक्सट्रीम बोल्ट। देखिए, जब हम बोल्ट की बात करेंगे तो हमने वहाँ पे डायग्राम में देखा था कि हमें 5 बोल्ट का यूज किया गया था, जिसमें एक बोल्ट सेंट्रल एक्सिस पर ही था। तो अगर हम बात करें फोर्स इन एक्सट्रीम बोल्ट, तो एक्सट्रीम बोल्ट होगा उसमें फोर्स कितना होगा वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, F1=P/N। अब यहाँ पर जो एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट, एन इजिकल टू होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है यहाँ पे कितना यूज किया गया है डायग्राम में आप देखा होगा, 5। तो F1=5/P/5, तो आपको मिलेगा 0.2 P। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है फॉर बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सेंटर पे होती है एग्जैक्ट। तो फोर फोर बोल्ट, जो 4 बोल्ट इस्तेमाल किए गए थे सेंटर वाले बोल्ट को छोड़ के, उसके लिए हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहेंगे तो R=(√P²+G²), ये पिच है और ये गेज है। तो P हमें गिवन है 80 80 स्क्वायर, प्लस हमने दिया 60 60 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा 100 mm। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एक्सट्रीम बोल्ट इज इक्वल टू 100 mm। तो ये आर जो है वो है फॉर एक्सटर्नल एक्सट्रीम बोल्ट फॉर, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आर है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एक्सट्रीम बोल्ट। अब जो सेंट्रल बोल्ट था वो हमारा एकदम सेंट्रोइडल एक्सिस पर था, तो उसके लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, R=0, बिकॉज वो बोल्ट था वो सेंटर लाइन पे ही था। सो उस बोल्ट के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो क्या रहेगा, 0। नाउ समेशन ऑफ R² निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा 4×100² + 0 फिफ्थ वोल्ट के लिए, तो आपका 4×10⁴ mm हो जाएगा। और हमें जिसकी ज़रूरत थी वो थी 4 एक्सट्रीम बोल्ट, तो एक्सट्रीम बोल्ट के लिए जो आपका R होगा वो हो जाएगा 100 mm। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर्स निकालना है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इन एक्सट्रीम बोल्ट। एक्सट्रीम बोल्ट पर जो फोर्स काम करेगा, जो लोड लगेगा ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, उसको हमें कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेशन होता है वो P×E×R/σ² तो पी हमें एज इट इज लिखना होगा, बिकॉज हमें ये गिवन नहीं है। ई हमें 250 गिवन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो डायग्राम था उस डायग्राम में मैंने जो टी सेक्शन का एक जो डिस्टेंस था, किसका, एज डिस्टेंस, मींस जो टी सेक्शन
पैकेट से कनेक्टेड था, यानी ISMC 300 से जो कनेक्टेड था, जोड़ा गया था टी सेक्शन, उसमें मैंने ऊपर साइड जो लिखा था E इज इक्वल टू 250 mm, तो वो आपको यहाँ पे एज डिस्टेंस जो है उस टी सेक्शन का यूज करना है, नॉट एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो एंड डिस्टेंस था वो तो हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था और लास्ट फॉर्मूले हमने यूज किया था, बट यहाँ पर जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज डिस्टेंस को, किसका, टी सेक्शन का, जो कि हमें 250 गिवन था, इनटू आर। आर हम निकाल चुके हैं 100 अपॉन समेशन ऑफ आर स्क्वायर 4 इंटू 100 स्क्वायर। तो ये आपका आपका सॉल्विंग आपको मिलेगा 0.625 P, यानी कि जो फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट इन एक्सट्रीम बोल्ट पे बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो फोर्स जनरेट होगा, जो लोड होगा अप्लाई होगा, वो होगा 0.625 P। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू फोर्स, दो फोर्स के बीच में एंगल, उसको यहाँ पे हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Q से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं cos theta इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक्चुअली हम cos theta का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो हम R निकाल चुके हैं जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, हम निकाल चुके थे उसको हम एज अ रेडियस यहाँ पर यूज कर रहे हैं 100, और जो हमारा गेज डिस्टेंस था 60 है ना, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो था हमारा 60। तो देखिए cos theta इज इक्वल टू 60/100, 60 आपको गिवन था, हमने आपको उसमें बताया था डायग्राम में, और 100 हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस का ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस हो जाएगा जिसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम निकाल लेंगे यहाँ से थीटा 0.6 है ना, तो इसको आप यहाँ पे थीटा से ही देखिएगा है ना, नॉट क्यू। तो cos थीटा इज इक्वल टू 60/100 सॉल्व करने के बाद हमें थीटा मिलेगा 0.6, cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। यहाँ से चाहिए आप थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6 करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इसको यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल फोर्स, या हम जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन एक्सट्रीम बोल्ट। देखिए जब एक बोल्ट पर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं, एक तो जो फैक्टर्ड लोड था, दूसरा लोड कौन सा, लोड ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, अब दोनों लोड का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा है ना, तो उन दो लोड का हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इन अंडर रूट F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। देखिए तो जो टोटल फोर्स का रिजल्टेंट है आर, इसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अंडर रूट F1² तो F1 हमने निकाला था पी अपॉन एन करके, जिसमें कि हमारा एन नंबर ऑफ बोल्ट था, पी अपॉन एन करके मैं सॉल्व किया था तो हमें मिला था पी अपॉन 5 यानी कि 0.2 P, तो 0.2 P² प्लस F2 हमने निकाला था 0.625 P, 0.625 P का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 0.25 इंटू F2 0.625 P, 0.625 P एंड cos थीटा कितना हमने निकाला है 0.6। इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 P का होल स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर आपको मिलेगा, यहाँ से भी पी स्क्वायर मिलेगा, एंड पी इंटू पी यहाँ से आपको पी स्क्वायर मिलेगा। तो पी स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं और पी स्क्वायर जो कॉमन था आपके अंडर रूट के अंदर, उसको आप एक पी बाहर भी निकाल लेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा पी इन अंडर रूट 0.2² प्लस 0.625² प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.625। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.76199 P। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है उन दो फोर्सेस का जो एक एक्सट्रीम बोल्ट पर अप्लाई हो रहे थे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल के आया 0.76199 P, क्योंकि हम एक उस एक्सट्रीम बोल्ट का ही डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे
और उसके बेसिस पर ही हमें इस कनेक्शन को देखना है, समझना है कि इसकी इफिशेंसी क्या होगी और ये कितना फैक्टर लोड बियर कर सकता है। तो हम उस एक्सट्रीम बोल्ट की ही बात कर रहे थे, तो उस एक्सट्रीम बोल्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो 0.76199 P लग रहा है। अब हम फैक्टर लोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्यूट कर देंगे इस रिजल्टेंट फोर्स को स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से। तो इक्यूटिंग रिजल्टेंट फोर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। क्या करना है, इक्यूट करना है रिजल्टेंट फोर्स को, जो भी आप हमने कैलकुलेट किया है 0.76199 P, इसको इक्यूट करना है आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट था, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो एक्सट्रीम बोल्ट का ही स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे पास क्या था 45272। तो 0.76199 P को हम जब इक्यूट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीम वोल्ट से 45272, हम P को सॉल्व करना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 59413 न्यूटन। और अगर इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में तो डिवाइड कर देंगे 1000 से इसको, तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू 59.413 किलो न्यूटन। तो ये फैक्टर लोड है 59.413 किलो न्यूटन। अगर हम बात करें टोटल फैक्टर लोड की, टोटल फैक्टर लोड निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 × 59.413, तो आपको मिलेगा 118.428 किलो न्यूटन। देखिए हम फाइनली इस प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना चाह रहे थे कि जो कनेक्शन है मूवमेंट कनेक्शन, इस मूवमेंट कनेक्शन पर जो पैकेट कनेक्शन था उस पर हम क्या करना चाह रहे थे, फैक्टर लोड निकालना चाह रहे थे कि इतना फैक्टर लोड ये कनेक्शन बियर कर सकता है। तो हमने कैलकुलेट किया 118.428 किलो न्यूटन तक का लोड ये कनेक्शन बियर कर सकता है, इससे ज़्यादा अगर लोड उस पर अप्लाई होगा तो कनेक्शन फेल कर जाएगा। तो सेफ्टी के लिए अगर हम इस कनेक्शन को डिजाइन करने जा रहे हैं तो लेस देन 118 किलोमीटर तक का ही लोड हम उस पर अप्लाई कराएं या उस पर लोड लगाएं, अदरवाइज वो कनेक्शन फेल कर जाएगा। अगर हमें उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और लोड 118 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तब हमें उस केस में नंबर ऑफ बोल्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत होगी या फिर ग्रेड ऑफ बोल्ट को चेंज करने की ज़रूरत होगी, तब हमें उस कनेक्शन की इफिशेंसी ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इफिशेंसी कम फैक्टर लोड को कैलकुलेट करने का। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी मिलते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम जल्दी उनका रिस्पॉन्ड करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel.